अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सांबो। अच्छा वो आप इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में कुछ फरमा रहे हैं क्या? आइए शुरू करते पॉडकास्ट गलत फहमी। मैं अर्ज कर रहा था कि ये बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, ज़ाहिर सी भी तो पहुंचे बुजुर्ग है ना, हाफिजा बहुत कवि था माशाल्लाह। यानी कि आपने तो एक बार किसी ने हाफिज साहब कह दिया आपको, ये क्या हो गया? तो बस आपके दिल पे चोट लगी कि ये लोग मुझे हाफिज कहते हैं और मैं हाफिज नहीं। अच्छा ये बेचारे मतलब खुश फहमी है इनकी, तो इसलिए आपने रमजान मुबारक में मगरिब की नमाज के बाद खाने से फारिग होकर तरावी से पहले पहले एक पारा गौर से देख लेते आप, ठीक है समरिया, और इस तरह वो आपको याद हो जाता। कहेंगे बुजुर्ग देखो कितने पहुंचे ने, और एक महीने के कलील अरसे में आपने पूरा कुरान पाक याद कर दो। सुभान अल्लाह, ये मगरिब से ईशा के दरमियान की बात, खाना भी इसमें खाना है, नमाज की तैयारी भी करनी है और गौर से वो पारा भी देख लेना है। अक्ल नहीं मानती है भाई, हुजूर अक्ल नहीं मानती, माजरत के साथ बुरा मत मानिए, अक्ल मेरी भी नहीं मान रही यार। ये क्या बयान की कहानी है, रॉन्ग नंबर बिल्कुल आप। अच्छा लेकिन मैं आपको बताऊं, अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार कि ऐसी बातों करामत बोलते हैं भाई, जो बंदी से शादी हो ना करामत, करामत तो करामत वही होती है कि जो अक्ल उसको ना अक्ल में ना आए, यानी कि जो ऐसा नामुमकिन हो तो अपनी अकल के मातम करवाए, अकलन नामुमकिन हो ऐसा करना। मैं आपको इससे बड़ी बात बताऊं, तो वो एक बंदे ने सुनी, वो उससे अगला उससे लंबी छोड़ता था, हजरत मौला मुश्किल कुशा अलीयुल मुर्तदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम जब घोड़े पर सवार होने के लिए तशरीफ लाते हैं, हाँ ठीक है, तो एक रिकाब में पांव, एक रिकाब में नहीं एक पेडल, एक पेडल में अपना पांव मुबारक रखते हैं, फिर वो दूसरे पेडल के लिए कितनी देर लगती है, स्कूटर पे आप चढ़ते हैं, वो घोड़ा था उसे स्कूटर नहीं थी, तो एक पेडल पर पांव रखा और दूसरे पेडल पर जब पांव रखते थे तो इसी कलील तरीन सेकंडों में पूरा कुरान पाक पढ़ लेते थे। अबे साले ये मौला मुश्किल जी, मुश्किल जी करामत है आपकी, शेर खुदा जिन जी 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 या अली सामोण किड्डी वड्डी छड़ी उन्होंने, एड्डी वड्डी इतना बड़ा मत ही छाड़, वो बात करने वाली करें यार, कहां बैठे हुए अल्लाह से डर जाए।